नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्तपंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों। गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राजनीतिक दल जनता को रिझाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच टिकट लेने वालों की होड़ सी लगी हुई है। तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस की पहली सूची की घोषणा भी हो गई है। कांग्रेस ने 143 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, लेकिन इस पहली सूची में पूर्व विधायकों के नाम नहीं है। अहमदाबाद के घाटलोडिया से अमीबेन याग्निक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने वाली वोटिंग को देखते हुए चोटीला में पुलिस और अर्धसैनिक बलों का पहरा रहा। चोटीला में 25 अर्धसैनिक बल के जवान और इंस्पेक्टर जे जडेजा समेत एक पुलिस टीम का दबदबा रहा। विधानसभा चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सहित अर्धसैनिक बलों द्वारा टावर चौक, आनंदपुर रोड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला गया। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही पाटन पुलिस की ओर से शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसमें शहर में पाटन पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। पाटन पुलिस द्वारा जैसे ही गुजरात विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा की गई, सीआईएसएफ बल और पाटन पुलिस द्वारा पाटन शहर के ए डिवीजन पुलिस स्टेशन के मान बाजार सहित संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। अप्रिय घटनाओं को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा पाटन शहर और तालुक में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था। गुजरात के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयनारायण व्यास ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह टिकट को लेकर बताई जा रही है। जयनारायण व्यास की मुलाकात अशोक गहलोत से हुई थी। कुछ दिनों पहले जयनारायण व्यास ने अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। वे गहलोत से अहमदाबाद सर्किट हाउस में मिले। व्यास ने इस बैठक के बाद कहा था कि वह गहलोत से नर्मदा के बारे में जो किताब लिख रहे हैं इसके लिए परामर्श के लिए मिले थे। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने खुद को बीजेपी की सक्रिय राजनीति से मुक्त कर दिया। गुजरात में चुनावों के ऐलान के बाद जहां पार्टियां अपना जनाधार बढ़ा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने इंद्रनील राजगुरु ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की टिकट बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तय की है। गुजरात में कंपनी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग काफी भयावह थी। कंपनी में लगी आग से आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से कंपनी का लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अहमदाबाद में एक बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। जानकारी मिली है कि बस 1500 फीट गहरी खाटी में गिरने से बच गई। बस में सवार 7 यात्रियों को मामूली चोट आई है और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। शिवघाट मोड़ पर बस के पलटने से यातायात बाधित हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की मदद से घायल यात्रियों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद कलेक्टर ने भी सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। गुजरात की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।